हमें आने की क्या जरूरत, कथाएं तो हम भारत में भी कर लेते हैं, भीड़ तो भारत में बहुत है, वहां भी कष्ट कम नहीं हुए। हमारे इतने दिन सेवा, 16 साल दरबार लगाते हुए भी अभी भी भारत खुशहाल थोड़ी हुआ, अभी भी हमें वहां बहुत गली गली में काम करना है, अभी भी हमें गांव गांव के लोगों लोगों में काम करना। इसलिए पिछले दिनों हमने अपने जन्मोत्सव पर प्रण लिया कि अब हम भारत में हवाई जहाज या ट्रेन से धर्म को नहीं बचा सकते, अब हम भारत में पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि हमसे अमीर बहुत मिल लेते, गरीब नहीं मिल पाते। जी में नाग विद्या का प्रयोग किया जाता है, नाग विद्या का प्रयोग किया जा रहा हो पृथ्वी के द्वारा प्रयोग करके अन्य अन्य तरह तरह के तंत्र मंत्र यहां पर जंगली तंत्र किए जाते हैं। घबराना नहीं, काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, एक मंत्र हम तुम्हें बीज मंत्र पावरफुल बता देते हैं, हनुमान जी का इतना पावरफुल है कि उसका तुम हवन भर कर दो, आस पास भूत नहीं फटकेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा, आप 108 बार बोल दो और जो है हवन कर दो। घर पर जाओ, कोई भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। राम जिनकी मर्यादा की चर्चा रावण करता है, जिनकी विशालता की चर्चा रावण करता है, जिनकी अद्भुतता की चर्चा, मेरे पागलो बुरा मत मानना, रावण बल में बड़ा था, रावण कद में बड़ा था, रावण पद में बड़ा था, रावण की लंका सोने की थी, रावण धन में भी बड़ा था, रावण यश में भी बड़ा था, रावण विद्वत्ता में भी बड़ा था, रावण परिवार में भी बड़ा था, बस कमजोर चरित्र का था इसलिए उसका विनाश हो गया। यही मैं तुमको कहना चाहता हूँ, शायद तुम्हें हमारी बात बुरी लगेगी पर कथा शिक्षा देती है। मेरे पागलो तुम कितने भी महान बन जाना, बड़े बन जाना, कद वाले, पद वाले, धन वाले, ऐश्वर्य वाले, सुख वाले, संपत्ति वाले, साधनों वाले बन जाना, पर कभी भी अपने चरित्र को मत गिराना। चरित्र से गिरा हुआ आदमी जिस प्रकार सफेद कपड़े पर गिरी हुई चाय अपने दाग छोड़ देती है, वैसे ही चरित्र से गिरे हुए इंसान का दाग सदा बना रहे।